Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 11, construction of line segment. कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना, उसके पॉइंट्स बताना. लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 10 में भी लिया है. ठीक है, लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके टू पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मीट करवाते हैं. ठीक है, फाइनल और एंडिंग पॉइंट उसका हमें पता होता है. ओके, नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में हम मज़ीद इसके बारे में सीखेंगे. इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हम मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स उसकी जो डिवाइसेस होती हैं उनके बारे उनको यूज़ करना सीखेंगे. हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. हाउ टू बाइसेक्ट अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट होता है किसी भी चीज़ को टू पार्ट्स में जब आप उसको ब्रेक करते हैं, इंटरसेक्ट करवाते हैं, बाइसेक्ट उसको कहते हैं. ठीक है, हाउ टू ड्रा अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन, एक लाइन पे परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रा करते हैं. मैथ्स फ्लैश, इससे पहले आप इसके बारे में क्या सीख चुके हैं. विच इंस्ट्रूमेंट इन द ज्योमेट्री बॉक्स हैज अ कर्व्ड एज, इनके आंसर आपने देने हैं इन क्वेश्चंस के. ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री बॉक्स में कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी कर्व्ड, जिनका जो एज बॉर्डर कॉर्नर जो होता है उनका वो कर्व शेप में होता है. विच इंस्ट्रूमेंट हैव स्ट्रेट एज, और किस इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रेट सीधा किनारा होता है. ठीक है, सीधा कॉर्नर होता है. हाउ मैनी इंस्ट्रूमेंट्स इन द ज्योमेट्री बॉक्स आर यूज टू मेयर थिंग्स, और ज्योमेट्री बॉक्स में कितने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो चीज़ों को मेयर करने के लिए यूज़ होते हैं. हाउ कैन वी टेल, या हम ये कैसे बता सकते हैं. इफ़ वी ट्राई टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन फ्री हैंड, अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, वी विल रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज़, हमें ये एहसास होता है ये कितना मुश्किल है. इवन द बेस्ट आर्टिस्ट हैव ट्रबल स्केचिंग अ लाइन, जो बेस्ट आपके पास अगर आर्टिस्ट हो तो उसके लिए भी ये मुश्किल होता है एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना. डैट इज़ परफेक्टली स्ट्रेट, जो बिल्कुल सीधी हो. ठीक है, उसका कोई भी पॉइंट आगे पीछे ना हो. अ लाइन सेगमेंट इज़ एन एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल एलिमेंट, जो लाइन सेगमेंट है वो बिल्कुल एक ज्योमेट्रिकल एलिमेंट, उसका एलिमेंट उसका पार्ट है. ठीक है, वी नीड द हेल्प ऑफ सर्टन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद अ स्ट्रेट एज सच एज रूलर्स एंड सेट स्क्वेयर्स टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन, एक हम इनकी मदद से, रूलर की मदद से और सेट स्क्वेयर की मदद से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं. वंस वी नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ, वी कैन प्रोसीड टू ड्रा ज्योमेट्रिकल फिगर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस, हम इनकी मदद से किसी भी शेप में या किसी भी साइज में फिगर ड्रा कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, आपके सामने ये एक इसकी पिक्चर है. ठीक है, इसमें इनके नेम क्या हैं. अ ज्योमेट्री बॉक्स कंटेन्स द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, और एक और बात, यूनिट नंबर 11 में हम काम करने से पहले आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए और इसके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप तब ही सीख सकते हैं. नंबर 1 रूलर, जो कि आपको पहले से पता है, पेयर ऑफ. नेक्स्ट नंबर 2 प्रोटेक्टर. ओके, रूलर, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, पेयर ऑफ कंपासेस एंड सेट स्क्वेयर्स. नेक्स्ट इनके बारे में एक एक के बारे में बताया क्या होगा, हम उसके बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रूलर. रूलर क्या होता है, ठीक है, रूलर, अ रूलर इज यूज्ड टू ड्रॉ एंड मेयर अ लाइन सेगमेंट. रूलर एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए और उसको मेयर करने के लिए यूज होता है. अ रूलर इज आल्सो यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस, रूलर की मदद से हम पैरेलल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रूलर आर पैरेलल टू ईच अदर, जो ऑपोजिट साइड्स मीन्स जो रूलर की ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल एट टू पॉइंट्स, जो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में अगर आपने इक्वल डिस्टेंस रखना हो टू पॉइंट्स के ऑन द एजेस सच दैट अक्रॉस ईच अदर एज शोन बिलो. यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस हैं, उनका डिस्टेंस भी यहाँ पे देखें इक्वल है. ठीक है, और इसको रूलर की मदद से उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है, फिर उनको पॉइंट की मदद से उनका डिस्टेंस फाइंड किया है. ठीक है, उनके एजेस की मदद से उनके डिस्टेंस को कवर किया है और फिर उनके लाइन सेगमेंट्स भी लिखे हैं. ये है लाइन सेगमेंट ए बी, उनके नेम सी डी ई एफ एंड जी एच. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर क्या होता है, ठीक है, रूलर के बाद हमारे पास जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है वो है प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर, अ प्रोटेक्टर सेमी सर्कल शेप इज यूज टू ड्रा और मेयर एंगल्स.
जो प्रोटेक्टर होता है वो सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल ही होता है, ठीक है। देखिए अब इसका अगर हम मजीद हाफ करें तो ये फुल सर्कल बन जाता है, ठीक है। इसके साथ अगर इसका हाफ अटैच करें तो वो कहते हैं जो प्रोटेक्टर होता है वो इसका सेमी सर्कल होता है, ठीक है, इस शेप में होता है और एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट स्क्वायर्स। सेट स्क्वायर्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स ट्राइंगुलर शेप इंस्ट्रूमेंट्स। आपके पास आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो ट्राइंगुलर शेप में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगुलर शेप में होते हैं, उनको हम कहते हैं सेट स्क्वायर्स। आर यूज टू ड्रॉ एंगल्स, जो कि एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए यूज होते हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, और इसके अलावा पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस भी। सेट स्क्वायर हैज थ्री एंगल्स, ठीक है, दीज एंगल्स, सॉरी, सेट स्क्वायर ए हैज थ्री एंगल, दीज एंगल्स, जो सेट स्क्वायर ए है इसमें थ्री एंगल्स होते हैं, कौन कौन से, 30, 60 एंड 90। यहाँ पे उनको हाईलाइट भी कर दिया गया है, 30, 60 एंड 90। ये एंगल जो आपके पास होता है, जो परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसा जो एंगल होगा जो एल शेप में होगा, वो हमेशा आपने याद रखना है, वो 90 का एंगल होगा, ओके। नेक्स्ट, सेट स्क्वायर बी हैज दीज एंगल्स, 45, 45 एंड 90। यहाँ पे देखें 45 और ये भी 45 का टोटल, ये कितना, ठीक है, इसकी मदद से वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस ए से अगर यहाँ पे ए हो तो ए से बी और बी से सी ये इक्वल है, ठीक है, 45 और 45, टोटल ये कितना है, 90। यहाँ पे मैंने आपको बताया एल शेप में जो भी एंगल होगा वो हमेशा 90 का होगा। इस तरह से उन्होंने यहाँ पे कुछ एंगल बताया, ई एफ इज अ परपेंडिकुलर टू एफ डी, ये जो ई एफ है ये डी पे परपेंडिकुलर, ठीक है, एफ डी एक लाइन थी, हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको पता है, वर्टिकल जो आपके पास लाइन होती है वो ऐसे खड़ी होती है, ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल आपके पास लाइन जो होती है वो इस तरह से होती है, और ई एफ जो है वो एफ डी पे परपेंडिकुलर है, इसी तरह जो बी सी है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कंपस। कंपस क्या होती है? अ पेयर ऑफ कंपस इज ए वी शेप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अ वी शेप इंस्ट्रूमेंट। आपके पास जो कंपस की कंपस इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी शेप कैसी होती है? वी में, इज यूज टू ड्रॉ सर्कल्स, और वो सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज होती है, एंड आर्क्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, और डिफरेंट साइजेस की आर्क्स ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं कि जो आपके पास कंपस होती है वो वी शेप में होती है, और उससे आप डिफरेंट सर्कल्स ड्रॉ करते हैं और आर्क्स ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडर। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडर जो है हमारे पास वो है अ डिवाइडर और अ पेयर ऑफ डिवाइडर्स, ठीक है, या एक डिवाइडर या फिर एक से ज्यादा अगर डिवाइडर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ डिवाइडर्स। अ डिवाइडर और पेयर ऑफ डिवाइडर्स आल्सो अ वी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट, इसको भी हम, इसके भी वी शेप में होता है, इसको हम डिवाइडर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंपास और ये डिवाइडर होता है, ठीक है, इज यूज टू मेजर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट की लेंथ हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं सिंपली। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट की हम को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी गिवन लेंथ, जो लाइन सेगमेंट होगा किसी भी आपके पास गिवन जो लेंथ होगी, से 4.6 सेंटीमीटर, कैन बी ड्रॉन इन टू डिफरेंट वेज। उसको हम टू वे से ड्रॉ कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ रूलर, रूलर की मदद से भी, बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपसेस, या फिर कंपसेस के पेयर को यूज कर, बट क्योंकि रूलर से भी मेयर करके आप 4.6 की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और पेयर ऑफ कंपसेस से भी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मीन्स कि हम वो लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, उस कंस्ट्रक्शन के प्रॉपर हमारे पास स्टेप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप्स हैं वो किसके यूज के हैं, यूजिंग अ रूलर, के रूलर को यूज करके आप इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मार्क अ पॉइंट ए ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर शीट पेपर पे आप एक ए पॉइंट मार्क करें, प्लेस अ रूलर सेंटीमीटर, प्लेस अ रूलर, रूलर रूलर जो होगा सेंटीमीटर साइड है, उसको आपने सेंटीमीटर में मेजर करना है विद द जीरो मार्क ऑफ द रूलर कंसीडरिंग विद पॉइंट ए। आपने उसके जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है, जीरो से मेयर करना स्टार्ट करना है, और जीरो को आपने ए पॉइंट का नेम देना है। मार्क एन अदर पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.6 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, फिर उसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक आपने इसको, आप इसको भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, पेयर ऑफ कॉम्स दोनों से, ठीक है। और रूलर की मदद, ये हम रूलर की मदद से कर रहे हैं, ये हमने रूलर को हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इसको हमने ए पॉइंट, हमने रूलर को रखा है 0 to 4, हम 4 पे आएंगे और 4 से आके हम 6 पॉइंट हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 and 6। 5 जो पॉइंट होता है वो आपका थोड़ा सा लंबा होता है, आप उसको पता चल जाता है, उससे नेक्स्ट पॉइंट एक 4.6 पे आके आपने पॉइंट लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ज्वाइन ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन कर देंगे, ए बी इज रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट विद लेंथ 4.6, ए बी आपके पास रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि यूजिंग अ कंपस, कंपस को यूज करके हम किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए हमें 4.6 सेंटीमीटर हमें कंपस को ओपन करना होगा, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क पॉइंट ए ऑन अ शीट ऑफ पेपर, शीट पेपर पे आप ए पॉइंट मार्क करें, ड्रॉ अ रे ए एक्स, एक ए एक्स रे ड्रॉ करें, प्लेस द मेटल टिप ऑफ द कंपस ऑन द जीरो मार्क ऑन द रूलर, ठीक है। रूलर पे आप इस तरह से कंपस को खोलें, ठीक है। आपने एक साइड पे इसमें पेंसिल को फिक्स करना है, ठीक है, अपनी लेड पेंसिल को फिक्स करके आपने इसको इतना ओपन करना है कि 4.6 तक, ठीक है, 0 से लेकर 4.6 तक इसको ओपन करके फिर इन दोनों पॉइंट्स को टच करके इनको ज्वाइन करवा दें, ठीक है, आपकी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये नेक्स्ट आपका इसी तरह से दिया गया है, लिफ्ट द कंपास एंड प्लेस द मेटल एंड पॉइंट ए, इसी तरह से आपने एक रे एक्स ड्रॉ करके आपने इसको कर देना, मीट करवाना है, ज्वाइन करवाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, इसमें यही गिवन है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ विच इज द सम ऑफ टू लाइन सेगमेंट, यहाँ पे जस्ट टू लाइन सेगमेंट्स आपके पास, टू लाइंस आपके पास उन्होंने ड्रॉ की हैं, उनको कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया, उनको ज्वाइन कर दिया, उनको सम कर दिया, ठीक है। एक ए और बी लाइन थी, एक सी और डी लाइन थी, ठीक है, ए और बी 2 सेंटीमीटर थी और ये 3.5 सेंटीमीटर थी, आप इन दोनों को सम करके एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट 2 सेंटीमीटर की और फिर 2 से आगे एक रे एक्स ड्रॉ की और फिर 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इसमें जस्ट यही था, टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी आर यहाँ पे ज्वाइन कर दिए गए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसी तरह से जो हम पीछे कर चुके हैं, ड्रॉ अरे पी एक्स, ओपन द कंपस एंड मेयर, ये कंपस के जरिए से कंस्ट्रक्शन आपको मेथड बता रहे हैं, ठीक है। जस्ट इसका इसमें ये डिफरेंस होगा, उन्होंने नेम चेंज कर दिया, पी एक्स रे कर दिया है, ए बी को वो इसी तरह कहते हैं कि कंपस को ओपन करें ए बी पे, नेक्स्ट विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, उसको फिर 2 सेंटीमीटर के इक्वल आपने करना है, 2 सेंटीमीटर के इक्वल प्लेस द मेटल टिप एट पी, पी पे आप मेटल टिप को रखें एंड मार्क ऑफ एल सो डैट, आप इस लाइन की आपको कंस्ट्रक्शन बताइए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, फिर एल से आगे आपने एक रे ड्रॉ करनी है, रे ड्रॉ करने के बाद आपने कंपस को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करना है, मेटल टिप रख के इसको एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसके पॉइंट्स को आपने एक साथ मेंशन कर देना है कि ये वो दो पॉइंट्स हैं जिनसे हमने एल और क्यू एक लाइन ड्रॉ की है। तो ये इस किस तरह से बनेगा, एम पी एल इज इक्वल टू एम ए बी एंड एम एल क्यू इज इक्वल टू एम सी डी, ठीक है, एम पी एल इज इक्वल टू एम एल क्यू और एम सी डी, ठीक है। एल क्यू हमने किससे ड्रॉ किया, सी डी से। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ विच इज डिफरेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने का और उसकी लेंथ विच इज डिफरेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, यहाँ पे भी टू लाइन्स दी गई हैं, फिर उनको उनकी कंस्ट्रक्शन है और उनकी डिफरेंस है, ठीक है। टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया है, ए बी और सी डी टू लाइन्स ड्रॉ की हैं, ठीक है, ड्रॉ अरे पी एक्स, एक पी एक्स उन्होंने फिर रे ड्रॉ की है, ओपन द कंपस एंड मेयर ए बी, उन्होंने ओपन को कंपस किया और ए बी को मेयर करना है, ए बी की क्या लेंथ है, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 ड्रॉ करने के बाद वो इसी तरह नेक्स्ट वो क्या करेंगे, सेम एज आपके पास इन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरह होगा, आप इनको पढ़ के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ए बी आपने ड्रॉ करने के बाद प्लेस द मेटल टिप एट पी, पी पे रख के आपने मेटल टिप को रख के एक इस पे लाइन ड्रॉ करनी है, वो 7.5 सेंटीमीटर की होगी, ए टू बी जो कि पी से क्यू, अब हम उसको कह रहे हैं, ठीक है, पी से एल सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हमने सी और डी एक 4.2 ड्रॉ करनी है और इनको एक ही लाइन पे शो करवा देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कंक्रेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट, कंक्रेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट्स का कंक्रेंस मींस टू लाइंस को आपने इकट्ठा करना है, एक साथ करना है। कंपेयर द फॉलोइंग थ्री पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के थ्री पॉइंट्स को आप, उसने कहा है कंपेयर हमने करना है, ठीक है।
किस तरह से करेंगे, उसने जो लाइन्स ड्रा की ए बी सी डी ई एफ, ए बी और सी डी इन दोनों को कंपेयर करना है, ई एफ और जी एच इन दोनों को कंपेयर करना है, पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। ये जो एम होता है ये साथ में लाइन सेगमेंट को या फिर एंगल को शो करता है, ठीक है। इन द फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर में क्या है, एम ए बी एंड सी डी, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ लाइन। देखिए आप यहाँ से आप मेजर किए बगैर भी आप बता सकते हैं कि जो ए बी की लेंथ है वो सी डी से ज़्यादा है। सो ए बी लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन सी डी, ई एफ सेगमेंट इज ग्रेटर देन जी एच एंड पी क्यू सेगमेंट इज ग्रेटर देन आर एस। इन स्टेटमेंट्स पे यहीं पे यही लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेयर में ए बी ग्रेटर है, सेकंड पेयर में ई एफ ग्रेटर है और थर्ड वन में ये दोनों इक्वल है, सॉरी पी क्यू और आर एस ये दोनों इक्वल है। द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कंकरेंट इज टू लाइन द सेगमेंट आर एस, ये कंकरेंट है, ये दोनों इक्वल है। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 11 फॉर एक्सरसाइज 11 ए आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11 ए स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।